أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم اسٹوڈنٹس کلاس سکس سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس آئی ہوپ یو آر ایل ویل آج ہم لوگ اپنے چیپٹر نمبر سیون کی جو ریمیننگ ایکسرسائز رہے گی اسے کمپلیٹ کریں گے ناؤ موو ٹو آور ایکسرسائز دس از آن پیج نمبر 66 واٹ آر دے کالڈ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इस कार को क्या कहा जाता है नेटवर्क कहा जाता है हम लोग सारा कुछ पीछे पढ़ चुके हैं मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा अ कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया कनेक्टिविटी बाय अ लिंक दैट अलाउज डिवाइसेस टू इंटरैक्ट वो लैन छोटे एरिया नेटवर्क को क्या कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहा जाता है अ पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर यूज विद इंटरनेट इज वेब सर्वर होता है वो अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस बाय द इंटरनेट उसको वेब ब्राउजर कहा जाए जिसके थ्रू आप इस इंटरनेट सर्फिंग करते हो अ कंप्यूट कंपनी दैट मेंटेन्स वेब सर्विस OISP होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी स्टोरिंग डाटा एंड एप्लीकेशंस ऑन द वेस्ट सर्वर स्पेस डैश तो उसे क्या कहा जाता है क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस विच अलाउ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल तो वो कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं सोशल नेटवर्किंग होती है जिसमें आप सोशल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते हो मेकिंग फोन कॉल ओवर द इंटरनेट का टेलीफोन इंटरनेट इसको क्या कहा जाता है इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाता है या ऑनलाइन टेलीफोनी भी कहा जाता है उसके बाद नीचे एक और है आपके पास नेम अ कंपनी विच प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज अब हमने इन एक ही कंपनी के बारे में बताना है जो हमें इस तरह की ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं जिस तरह के क्लाउड स्टोरेज सोशल नेटवर्किंग इंस्टेंट मैसेजिंग और इंटरनेट टेलीफोनी तो सबसे पहले आपके पास क्लाउड स्टोरेज ड्रॉपबॉक्स सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी ये बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है सोशल नेटवर्किंग में आपके पास सिंपल फेसबुक और भी एप्लीकेशन है लेकिन यहाँ पर उसने आपको सिर्फ एक कंपनी के बारे में पूछा हो तो हमने उसके बारे में बता दिया इंटरनेट मैसेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग गूगल टॉक और इंटरनेट टेलीफोनी में स्काइप अब इसी की एक्सरसाइज का हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस यूज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज बिकॉज इट इज़ लेस कॉस्टली एंड मोर रिलायबल देन स्टोरिंग ऑल डाटा ऑन कंप्यूटर्स इफ डाटा इज एक्सीडेंटली डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर इट कैन बी इजिली रिट्रीव फ्रॉम द क्लाउड तो हमने इसके लास्ट लेक्चर में सारे बेनिफिट्स पढ़े थे क्लाउड स्टोरेज के बारे में कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि सारा डाटा वो अब अपने सिस्टम्स में स्टोर नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं वो क्लाउड स्टोरेज में अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं और इस तरह बाई चांस का सबसे भी एक कॉस्टली होता है ठीक है इतना एक्सपेंसिव नहीं है और रिलायबल है आप यहाँ से कभी भी अपना डाटा आप यहाँ पर आपका डाटा सिक्योर होता है क्योंकि आप इस डाटा पर सिर्फ आप एक्सेस हासिल कर सकते हो और अगर ऐसी एक्सीडेंटली आपके कंप्यूटर से डाटा डिलीट भी हो जाता है तो आप अपने क्लाउड से और डाटा ईजिली हासिल कर सकते हो तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट अब इसके बाद हम इसके नोट्स अब आपको प्रोवाइड होंगे उसके बाद उसकी वो उसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच